हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 उन हॉलीवुड मूवीज की जो कि सितंबर के मंथ में रिलीज होने वाली हैं। ये मूवीज कहाँ, कैसे और किस लैंग्वेज में रिलीज होंगी और कब जाकर उनका HD प्रिंट आपको देखने मिलेगा, इन सब डिटेल्स के बारे में आपको मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, इस वीडियो से हमने उन मूवीज को भी दूर रखा है जो इंडिया को छोड़कर बाकी कंट्रीज में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, जैसे कि फास्ट एंड फ्यूरियस 9, डोंट ब्रीथ 2 या फिर कैंडीमैन। आप चाहें तो मैं इनकी रिलीज डेट किसी भी अपकमिंग न्यूज वीडियो में शेयर कर दूंगा, या फिर वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको एंड तक होपफुली इन मूवीज की रिलीज डेट भी देखने मिल जाएंगी। और अगर आप इन्हें रिलीज होते ही देखना चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर मूवीज रिलीज होते ही अपलोड कर दी जाती हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, लेकिन उससे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो विद ऑल दैट सेड, चलिए आज का काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 10, क्लिफर्ड द बिग रेड डॉग। ये पैरामाउंट स्टूडियोज की साइट से आने वाली एक फैमिली कॉमेडी मूवी है जो कि 17 सितंबर को इंडिया के साथ साथ बाकी सभी कंट्रीज में सिर्फ थिएटर्स में रिलीज की जाएगी। हालांकि इस मूवी का भी सिर्फ इंग्लिश ट्रेलर ही रिलीज हुआ है, जिसका मतलब है कि फिलहाल के लिए मूवी इंडिया में भी सिर्फ इंग्लिश में ही रिलीज होगी। बाकी उम्मीद करते हैं कि 17 तारीख से पहले हमें इसका एक हिंदी ट्रेलर भी देखने मिल जाए, वरना तो इसका इंग्लिश में रिलीज होना पक्का है। लेकिन हाँ, बहुत जल्द फ्यूचर में हमें इसका हिंदी डब देखने जरूर मिलेगा। मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी में हम कहानी देखेंगे एमिली और उसके फादर की, जिनको एक अनोखा पपी गिफ्ट में मिलता है। ना वो पपी ग्रो होते होते इतना जाइंट हो जाता है कि उसे संभालना इन दोनों के लिए नामुमकिन होने लगता है। अब इस सिचुएशन में ये क्या कुछ फनी हरकतें करेंगे, इन्हीं सारी डिटेल्स के अराउंड ये मूवी रिवॉल्व करेगी। ये मूवी किड्स के साथ साथ सीनियर ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिसे रिलीज होते ही आपको जरूर से चेकआउट करना चाहिए। नंबर 9, द कार्ड काउंटर। ये क्राइम ड्रामा मिस्ट्री मूवी है जो कि रिलीज होगी 10 सितंबर को इंडिया के लिमिटेड थिएटर्स में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। इस मूवी के स्टार कास्ट में आपको विलियम फोर, टिफनी हैडिश और टाय श्रेडन देखने मिलेंगे, एंड मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं ऑस्कर आइजैक। इस मूवी को डायरेक्ट किया है पॉल श्रेडन ने, जो 90s के दशक में हॉलीवुड को कुछ अमेजिंग मूवीज ऑफर कर चुके हैं। इस मूवी में हम कहानी देखेंगे विलियम टेल नाम के गैम्बलर की, जो पास्ट में एक सोल्जर भी रह चुका है और वो उस टाइम के अपने एक दुश्मन से अपना बदला लेना चाहता है। टेल फिलहाल एक कैसीनो में काम करता है, एंड तभी उसकी मुलाकात होती है कर्क से, जिसका दुश्मन भी वही शख्स है जिससे टेल भी नफरत करता है। अब ये दोनों साथ मिलकर कैसे अपना अपना बदला लेते हैं, यही सारी डिटेल्स आपको इस मूवी में देखने मिलेंगी। ये मूवी भी सिर्फ थिएटर्स में रिलीज होगी, इसलिए इसका HD प्रिंट आने में अराउंड 20 से 25 दिन जरूर लगेंगे। नंबर 8, द वॉयर्स। द वॉयर्स एक Amazon Prime ओरिजिनल मूवी है जिसे 10 सितंबर को Amazon Prime पर रिलीज किया जाएगा, एंड करेंटली ये मूवी भी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के साथ रिलीज होगी, जिसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इस मूवी में दिखाई गई माइल्ड न्यूडिटी। ये एक ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी होने वाली है, जिसमें लीड रोल प्ले कर रहे हैं डिटेक्टिव पिकाचू वाले जस्टिन स्मिथ और उनके अपोजिट है सिडनी स्वीनी। इस मूवी की स्टोरी इन दोनों कपल के अराउंड रिवॉल्व करेगी, जो हाल ही में एक न्यू फ्लैट में शिफ्ट होते हैं। उनके घर की जो खिड़की है उससे सामने वाले घर का सब कुछ बिल्कुल साफ दिखता है, जहां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रोमांस करते ये कपल रोज देखते हैं। नाउ सिडनी सामने वाले घर के लड़के की बॉडी को देख उसकी ओर अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देती है, जिससे इन चारों के बीच क्या कुछ टेंशन पैदा होती है, इन्हीं सारी डिटेल्स को ये मूवी कवर करेगी। इस मूवी का ट्रेलर भी काफी प्रॉमिसिंग मालूम होता है, एंड ये मूवी अपने रिलीज डे के दिन ही HD प्रिंट के साथ भी आपको देखने मिल जाएगी। नंबर 7, नाइटबुक्स। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फैमिली हॉरर फैंटेसी मूवी है, जिसमें लीड रोल प्ले कर रही हैं मार्वल्स की जेसिका जोन क्रिस्टेन रिटर। इस मूवी को 15 सितंबर के रोज नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज किया जाएगा, जिसका मतलब है कि ये मूवी रिलीज होते ही आपको HD प्रिंट में देखने मिल जाएगी। इस मूवी को प्रोड्यूस किया है स्पाइडरमैन के डायरेक्टर सैम रायमी ने, एंड डेफिनेटली ये मूवी अपने ट्रेलर के अकॉर्डिंग काफी कमाल की होने वाली है। मूवी की स्टोरी एलेक्स नाम के एक छोटे बच्चे के अराउंड रिवॉल्व करती है, जिसे हॉरर स्टोरीज लिखने का काफी ज्यादा शौक है। उसके इसी शौक के चलते एक इविल विच उसे किडनैप कर लेती है और उससे रोज एक हॉरर स्टोरी लिखवाती है। नाउ एलेक्स को कैसे भी कर उसकी जादुई हवेली से बचकर निकलना होगा, जिसमें वो मदद लेगा उस मेंशन में पहले से फंसी एक छोटी लड़की की। मूवी में कमाल के VFX और माइंड ब्लोइंग मैजिकल क्रिएचर्स देखने मिलने वाले हैं। बस होप करते हैं कि मूवी की स्टोरी भी अपने ट्रेलर की तरह अच्छी ही हो। नंबर 6, केट। ये 2021 में आने वाली वन ऑफ द बेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, क्योंकि इस मूवी को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ने, जो इससे पहले हंट्समैन के दोनों पार्ट्स, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन और मैलेफिसेंट जैसी मूवीज भी डायरेक्ट कर चुके हैं। मूवी का ट्रेलर अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो आपको इसे जरूर से देखना चाहिए। एक्शन मूवीज फैंस को इसका ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद आएगा। ये मूवी भी एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल मूवी है, जो 10 सितंबर को ही नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज होगी, एंड इसका भी HD प्रिंट इसके रिलीज होते ही आपको देखने मिल जाएगा। मूवी की स्टोरी एक फीमेल असैसिन के अराउंड रिवॉल्व करेगी, जिसका बॉस उसे एक पॉइजन देकर मरने के लिए छोड़ देता है। नाउ उस असैसिन के पास सिर्फ 24 घंटे हैं अपने मर्डरर से बदला लेने के लिए, इससे पहले कि वो खुद उस पॉइजन से मारी जाए। मूवी काफी हाई पेस्ड एंड हैवीली एक्शन पैक्ड होने वाली है, एंड मूवी के स्टार कास्ट में आपको मैरी एलिजाबेथ और वुडी हैरिसन जैसे कमाल के एक्टर्स भी देखने मिलेंगे।
नंबर 5 सिंड्रेला। डिज्नी की ये पॉपुलर कैरेक्टर पर बेस्ड एक न्यू फिक्शनल फैंटेसी ड्रामा मूवी भी इस साल रिलीज होने वाली है, जिसमें लीड रोल प्ले कर रही हैं हॉलीवुड की पॉपुलर सिंगर कमीला कबायो। इस मूवी का अमेज़न प्राइम पर 3 सितंबर के रोज रिलीज किया जाएगा एंड ये मूवी डेफिनेटली हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में रिलीज होगी और इसका HD प्रिंट भी सेम डे आपको देखने मिल जाएगा। बात करें इसकी स्टोरी की तो मूवी की स्टोरी हर बार की इतना सेम रहने वाली है, जिसमें हमें सिंड्रेला की वही प्रॉम नाइट वाली स्टोरी देखने मिलेगी जो हम अपने बचपन के दिनों से सुनते आ रहे हैं। मूवी में कमीला सिंड्रेला कैरेक्टर प्ले कर रही है, इसलिए मूवी में काफी सारे कमाल के सॉन्ग्स भी शामिल होने वाले हैं एंड कैसे सिंड्रेला अपनी इविल स्टेप मदर और इविल सिस्टर्स के होते हुए अपने सारे सपनों को पूरा करती है, यही सब कुछ ये मूवी हमें एक्सप्लोर कराने वाली है। मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, नहीं देखा तो आप उसे जरूर से देख सकते हैं। नंबर 4 द इंट्रूजन। द इंट्रूजन भी एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल ड्रामा थ्रिलर मूवी है जो कि 22 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु लैंग्वेजेस में रिलीज होगी। इस मूवी में लीड रोल प्ले कर रहे हैं अपग्रेड मूवी वाले लॉगन मार्शल ग्रीन और स्लमडॉग मिलियनेयर वाली फ्रीडा पिंटो। मूवी की स्टोरी इन्हीं दो कपल्स के अराउंड रिवॉल्व करती है जो एक न्यू टाउन में शिफ्ट होते हैं। उनके शिफ्ट होने कुछ दिन बाद ही उनके घर में कुछ लोग चोरी करने घुसते हैं और एक एक्सीडेंट में लोगन के हाथ उनमें से एक का मर्डर हो जाता है। इस एक्सीडेंट के ट्रॉमा से निकलने में फ्रीडा को काफी टाइम लग जाता है एंड इस बीच उसे काफी सारी मिस्ट्रीज के बारे में पता चलता है जो उस टाउन के लोग काफी लंबे समय से छिपाते आ रहे हैं। अभी सच्चाई जानने के बाद वो टाउन वाले फ्रीडा और उसके हस्बैंड के साथ क्या करते हैं, इन्हीं सब डिटेल्स को ये मूवी एक्सप्लोर करेगी। मूवी के ट्रेलर से ही इतना पता चल जाता है कि मूवी में काफी सारा थ्रिल और सस्पेंस हमें देखने मिलने वाला है एंड इसका HD प्रिंट भी इसके रिलीज डे पर ही हमें देखने मिल जाएगा। नंबर 3 मैलिग्नेंट। द कंजूरिंग यूनिवर्स के बाद जेम्स वान अपनी एक और न्यू हॉरर यूनिवर्स को एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जिसकी पहली मूवी होने वाली है ये मैलिग्नेंट। ये मूवी 10 सितंबर के रोज इंडिया के सभी सिनेमाघरों में रिलीज होगी और इसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ जैसी सभी रीजनल लैंग्वेजेस के साथ भी रिलीज किया जाएगा। हालांकि ये मूवी सिर्फ थिएटर्स में रिलीज हो रही है, इसलिए इसका और लिस्ट में आगे आने वाली सभी मूवीज का HD प्रिंट आने में अपने रिलीज डेट से अराउंड 1 महीने का टाइम लगने वाला है। मूवी की स्टोरी एक लड़की के अराउंड रिवॉल्व करेगी जिसे अचानक इन्हीं लोगों के मर्डर के विजन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन आगे जाकर उसे पता चलता है कि वो कोई विजन्स नहीं बल्कि सभी रियलिटी है एंड किलर सच में लोगों को बेरहमी से मारता खुलेआम घूम रहा है। अब कैसे वो लड़की खुद को इस डीमन किलर से बचाती है और कैसे उसके आतंक को और फैलने से रोकती है, यही सारी डिटेल्स हमें इस मूवी में देखने मिलेंगी। नंबर 2 नो टाइम टू डाई। वेल, वैसे तो इसकी अभी कोई कंफर्म रिलीज डेट नहीं आई बट इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रीमिंग सर्विस बुक माई शो के अकॉर्डिंग ये मूवी इस महीने 30 सितंबर को रिलीज होगी एंड अगर ये मूवी इंडिया में रिलीज होती है तो इसे हिंदी के साथ साथ बाकी सभी रीजनल लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया जाएगा। इस मूवी का ट्रेलर हमें आज से 1 साल पहले देखने मिला था एंड तब से लेकर अब तक ये मूवी कोविड की वजह से डिले होती आ रही है। ये मूवी डैनियल क्रेग और जेम्स बॉन्ड फिल्म सीरीज की लास्ट मूवी होने वाली है, जिसके बाद से रूमर्स हैं कि हमें इसके कुछ स्पिन ऑफ मूवीज भी देखने मिलेंगी, लेकिन ये मूवी जेम्स बॉन्ड कैरेक्टर की आखिरी मूवी होगी। इस मूवी में जेम्स बॉन्ड हमें अपने एक पास के दुश्मन से भिड़ता दिखेगा जिसमें उसकी मदद करेगी एक पुरानी दोस्त। मूवी हर बार की तरह हैवीली एक्शन पैक्ड रहेगी एंड उम्मीद करते हैं कि इस मूवी को अपने क्लाइमेक्स के तौर पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिले। एंड फाइनली नंबर 1 शैंग-ची। इस साल की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड MCU मूवी जो कि इस महीने 3 सितंबर के दिन इंडिया के सभी थिएटर्स में मल्टी लैंग्वेज में रिलीज होगी। इस मूवी को डिज्नी प्लस से हटाकर सिर्फ थिएटर्स में रिलीज किया जा रहा है, इसलिए इसका HD प्रिंट आने में 1 महीने का लंबा टाइम लगने वाला है। मूवी की स्टोरी अवेंजर्स एंडगेम के बाद से ही कंटिन्यू करेगी, जिसमें हम मार्वल टीम के एक न्यू अपकमिंग मार्शल आर्ट सुपर हीरो शैंग-ची के कैरेक्टर की स्टोरी देखेंगे। हम उसके पास के बारे में जानेंगे और वो आगे चलकर बाकी MCU हीरोज के साथ मिलकर इंसानियत की कैसे मदद करता है, उससे भी रिलेटेड काफी सारी इन्फो हमें इस मूवी के जरिए देखने मिलेगी एंड जो लोग मार्शल आर्ट देखना पसंद करते हैं उनके लिए तो ये एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, क्योंकि सुपर हीरो की सुपर पावर ही मार्शल आर्ट्स हैं। इसका ट्रेलर वगैरह सभी ऑलरेडी हिंदी में रिलीज हो चुका है, बाकी मूवी क्या हमारे एक्सपेक्टेशंस पर खड़ी उतरती है ये तो मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, इन 10 मूवीज के साथ कुछ पुरानी मूवीज भी हैं जो इस मंथ इंडिया में रिलीज होंगी। पुरानी इन दी सेंस की ऑलरेडी बाकी कंट्रीज में रिलीज हो चुकी हैं। इसमें सबसे पहले है ब्लैक विडो जो हिंदी में 3 सितंबर के दिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी एंड इसका HD प्रिंट भी सेम डे आपको देखने मिल जाएगा। इसके बाद फास्ट एंड फ्यूरियस 9 एंड हॉरर मूवी कैंडीमैन को 3 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा एंड डोंट ब्रीद 2 भी इस मंथ हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज में 17 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज होगी एंड F9 की ही तरह इसका HD प्रिंट आने में भी 1 महीने का टाइम लगने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और इस वक्त आने वाली किस मूवी को लेकर आप सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके हमारी चैनल की सभी नोटिफिकेशन ऑन कर लें। बाकी मिलते हैं जल्दी एक और न्यू वीडियो में कुछ और एक्साइटिंग न्यूज एंड न्यू मूवीज के साथ। टिल देन टेक केयर, ओवर एंड आउट।